हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एम का डेक। दोस्तों आप सभी को बी रिलेटेड हैप्पी होली। दोस्तों एक बार फिर से संडे आ गया है और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए इस हफ्ते की टॉप टेक न्यूज़। तो दोस्तों जल्दी से बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें पहली खबर की, पहली खबर निकल के आती है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों इस हफ्ते सैमसंग ने इंडिया में अपनी सैमसंग बुक 2 सीरीज़ नाम से बहुत सारे लैपटॉप लॉन्च किए हैं। ये लैपटॉप अलग अलग स्क्रीन साइज या फिर अलग अलग स्टोरेज वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग कीमत के साथ हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको अपने लिए लैपटॉप खरीदना है, आप एक प्रीमियम लैपटॉप अच्छी क्वालिटी वाला लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो ये सैमसंग के लैपटॉप एकदम बेस्ट है, जिनकी कीमत एकदम 90,000 रुपये से स्टार्ट होकर 1.5 लाख रुपये तक जाती है और काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन हमें इन वाले लैपटॉप में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इस समय द कश्मीर फाइल्स नाम से एक मूवी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पसंद कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इसे देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड भी सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका एकदम लेटेस्ट नया फ्रॉड सामने आता है व्हाट्सएप की तरफ से। दोस्तों व्हाट्सएप में लोग ऐसे लिंक सेंड कर रहे हैं जिनमें ये लिखा है कि इस लिंक को खोलते ही आप इस मूवी को फ्री में देख सकते हैं या फिर फुल HD क्वालिटी में ये मूवी आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसी फ्रॉड को लेकर अभी तक इंडिया में टोटल 30 लाख से ऊपर की धोखाधड़ी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में भी ऐसा कोई फ्री मूवी देखने या मूवी डाउनलोड करने का कोई लिंक आता है तो आपको ऐसे लिंक को ओपन नहीं करना है। अगर आप ऐसा कोई लिंक ओपन कर सकते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, तो आपको ऐसा कोई भी लिंक ओपन नहीं करना है। दोस्तों इस हफ्ते इंडिया में Redmi ने अपना बजट रेंज का नया फ़ोन Redmi 10 लॉन्च किया है। अगर बात करें इस फ़ोन में कुछ खास फीचर्स के बारे में, इस फ़ोन में हमें डुअल कैमरा देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 680 देखने को मिलता है और 6000 mAh की बड़ी बैटरी हमें इस फ़ोन में देखने को मिलती है। अगर बात करें इस फ़ोन की कीमत की, इस फ़ोन की कीमत 11,000 रुपये तक जाती है। अगर आप अपने लिए नया फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं, आपको Redmi का एक बजट रेंज का फ़ोन चाहिए, तो आप इस वाले फ़ोन को खरीद सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिकेशन और काफ़ी अच्छी बैटरी हमें इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है। ये फ़ोन 24 मार्च से फ्लिपकार्ट पर मिलने वाला है। अगर आपको ये फ़ोन खरीदना है तो आप 24 मार्च के बाद इस वाले फ़ोन को फ्लिपकार्ट से अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों इस हफ्ते इंडिया में IQ ने अपना बजट रेंज का एकदम लेटेस्ट फ़ोन IQ Z6 इंडिया में लॉन्च किया है। दोस्तों अगर बात करें इस फ़ोन के हाईलाइट फीचर्स के बारे में, इस फ़ोन में हमें 120 हर्ट्ज की स्क्रीन देखने को मिलती है और स्नैपड्रैगन 695 हमें इस फ़ोन में देखने को मिलता है। अगर बात करें इस फ़ोन की कीमत की, इस फ़ोन का जो बेस वेरियंट है 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला, उसकी कीमत हमें 14,000 रुपये देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको अपने लिए अच्छी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए, आपका टारगेट सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस है, तो आप इस वाले फ़ोन को खरीद सकते हैं क्योंकि जिस प्राइस रेंज में फ़ोन आता है इसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है और ये इस प्राइस रेंज के हिसाब से एकदम बेस्ट फ़ोन बन जाता है IQ की तरफ से। दोस्तों अगर बात करें अगली न्यूज़ सामने निकल के आती है एप्पल आईफोन की तरफ से। दोस्तों आज से पहले हम जो भी आईफोन यूज करते थे, हमें ऊपर से उनमें काफ़ी बड़ी बड़ी नॉच देखने को मिलती थी जिससे हमारी बहुत ज़्यादा स्क्रीन जो है कवर हो जाती थी। लेकिन दोस्तों जो हमारे इस साल आने वाले आईफोन है, iPhone 14, शायद उनमें से हमें नॉच देखने को ना मिले। यहाँ पर iPhone 14 सीरीज का कुछ डिज़ाइन लीक हुआ है जिनमें देख के लगता है कि इस साल हमें जो आईफोन है उनमें नॉच देखने को नहीं मिलेगी। इन वाले लीक में iPhone 14 में ऊपर से डुअल पंच होल हमें देखने को मिलता है, जो डिज़ाइन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने लिए नया आईफोन खरीदने की सोचो तो आप iPhone 14 सीरीज का वेट कर सकते हैं क्योंकि iPhone 14 सीरीज में काफी अच्छा डिजाइन हमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों हमेशा अधिकतर लोग अपने फ़ोन में बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों जब भी हम अपने फ़ोन में UPI इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसके लिए अपने फ़ोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अपना UPI एक नया फीचर ट्राई कर रहा है जिसका नाम होने वाला है UPI Lite। अगर UPI की तरफ से हमें UPI Lite वाला ऐसा कोई फीचर देखने को मिलता है तो हम फ्यूचर में अपने फ़ोन में बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी छोटे मोटे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर ये बहुत स्मॉल ट्रांजेक्शन होंगे जिनमें शायद वैल्यू 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक हो सकती है। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई फीचर UPI की तरफ से आता है तो काफ़ी हेल्पफुल हम सबके लिए होने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन में नेट नहीं होता है तो वहाँ पर हम ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं। अगर UPI Lite का जो ये कंसेप्ट है सक्सेसफुल होता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा जगहों पर हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। दोस्तों आज से पहले हमें हमारे देश में बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म देखने को मिलते थे, जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, MX Player। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत जल्द एक नया OTT प्लेटफॉर्म देखने को मिल सकता है जिसका नाम होने वाला है SRK Plus। दोस्तों इसे अभी सिर्फ टीस किया जा रहा है, शायद ये शाहरुख खान की तरफ से आने वाला कोई OTT प्लेटफॉर्म हो। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोन में OTT प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या फिर उसमें कोई कंटेंट देखते हैं तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकता है और इसके लिए भी हमें अलग से महीने में 100-150 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें अगली न्यूज़ सामने निकल के आती है BGMI की तरफ से। दोस्तों BGMI इंडिया ओपन चैलेंज के जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा BGMI खेलते हैं, आपको लगता है आप BGMI के अच्छे प्लेयर हैं, आपके जो उंगली है BGMI में काफ़ी अच्छी तरह से काम करती है और आप काफ़ी अच्छा गेम प्ले करते हैं, तो आपको इस वाले जो इवेंट है इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। अगर आप इस वाले इवेंट को जीतते हैं तो आपको यहाँ पर 75 लाख रुपये तक का प्राइज़ भी मिलता है। तो दोस्तों आज से पहले आपने इस वाले गेम में अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद किया होगा, टाइम बर्बाद किया होगा, लेकिन अभी अच्छा मौका है
इस वाले गेम से कुछ पैसा कमाने का। अगर आप भी अच्छा BGMI खेलते हैं तो आपको इस वाले गेम के लिए ज़रूर से रजिस्टर करना चाहिए। दोस्तों, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है तब से बहुत सारी कंपनियों ने रशिया के ऊपर बैन लगाए हैं। बहुत सारी टेक कंपनियों ने भी रशिया पे बैन लगाए हैं, जैसे एप्पल, सैमसंग। इसी को आगे बढ़ाते हुए इंस्टाग्राम ने भी रशिया पे बैन लगा दिया है। आज के बाद से कोई भी रशिया के यूजर अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, जब से ये वॉर चली है बहुत सा नुकसान हो रहा है। चलते चलते जो वॉर जो है समाप्त हो जानी चाहिए, जिससे जो एकदम कंडीशन है पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। क्योंकि जब भी कोई वॉर होती है, इससे हर किसी को, दोनों तरफ के लोगों को नुकसान होता है। काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है, बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो उस चीज़ को दूर करते हुए जो वॉर है इसको बहुत जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए, जिससे कि जो कंडीशन है पहले की तरह नॉर्मल हो सके। दोस्तों, अगर बात करें अगली न्यूज़ की, अगली न्यूज़ सामने निकल कर आती है वेंसडे की तरफ से। दोस्तों, अगर बात करें वेंसडे की, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम यूट्यूब की कोई भी वीडियो बिना किसी ऐड के या फिर कोई भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को खरीदे बिना देख सकते थे। अगर हम इसमें यूट्यूब की कोई वीडियो प्ले करते थे, हमें उसमें किसी तरह कोई ऐड देखने को नहीं मिलता था और पूरी वीडियो को हम बड़ी आसानी से देख सकते थे। लेकिन दोस्तों, जो जितने भी सारे यूट्यूब क्रिएटर है, इससे उनका नुकसान होता है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐड नहीं आता था, जिससे उनकी कोई भी अर्निंग नहीं हो पाती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे लीगली तौर पर अब न्यूज़ सामने निकल के आ गई है कि बहुत जल्द जो है वेंसडे ऐप जो है बैन होने वाला है। कुछ लीगल सर्टिफिकेशन की वजह से इस ऐप को बंद होना है। तो दोस्तों, ये न्यूज जितने भी सारे यूट्यूब क्रिएटर हैं उनके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज होने वाली है, क्योंकि इस जब ये ऐप बैन हो जाएगा तो जो भी यूट्यूबर है उनकी थोड़ा अर्निंग बढ़ सकती है। दोस्तों, हमेशा अधिकतर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें किसी प्रोडक्ट पर हमें शिपिंग चार्ज देना पड़ता है, 50 रुपये, 100 रुपये, और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उनमें कोई शिपिंग चार्ज नहीं देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट की तरफ से एक नई न्यूज़ सामने निकल के आ रही है कि आज के बाद से हम जो भी फ्लिपकार्ट से परचेस करेंगे उसमें हमें शिपिंग चार्ज के अलावा एक एडिशनल पैकिंग चार्ज भी फ्लिपकार्ट को देना होगा। फ्लिपकार्ट का कहना है कि अच्छी पैकिंग, अच्छी सेफ्टी के लिए फ्लिपकार्ट पैकिंग चार्ज कस्टमर से ले रहा है, जिससे एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट सेफली कस्टमर को डिलीवर हो सके। लेकिन दोस्तों, अगर फ्लिपकार्ट की तरफ से ऐसा कुछ होता है तो फ्लिपकार्ट के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि आज से पहले भी हम लोग बहुत सारे सामान फ्लिपकार्ट से खरीदते थे और सारा प्रोडक्ट हमें अच्छे से सेफली हमें डिलीवर हो जाता था। यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट एडिशनल 50-100 रुपये ऐड कर रहा है पैकिंग के नाम पर, फ्लिपकार्ट के लिए गुड न्यूज़ नहीं है। क्योंकि अगर फ्लिपकार्ट ऐसा कुछ करता है तो जो फ्लिपकार्ट के कस्टमर है फ्लिपकार्ट को छोड़कर अदर ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर जाएंगे, जिससे थोड़ा फ्लिपकार्ट का नुकसान हो सकता है। लेकिन शायद फ्लिपकार्ट अगर हमसे ऐसा कोई पैकिंग चार्ज वसूले तो क्या पता फ्यूचर में फ्लिपकार्ट की तरह दूसरी कंपनियां भी फ्लिपकार्ट को फॉलो करते हुए हमसे एक्स्ट्रा पैकिंग चार्ज वसूल कर सकती है। तो दोस्तों, ये कस्टमर के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ नहीं है। दोस्तों, अगर बात करें अगली न्यूज़ की, अगली न्यूज़ सामने निकल के आती है इंडिया में इंटरनेट यूजर्स के बारे में। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार जो एक हमारे देश में पिछले 5 साल में 50% डाटा यूज़र बढ़े, यानी कि हमारे देश में जो पिछले 5 साल बीते हैं इसमें जो डाटा यूजर है उसमें 50% की बढ़ोतरी हुई है। और अगर बात करें हमारे डाटा यूजर्स की, जो हमारे डाटा यूजर 17 GB पर यूजर जो है सामने निकल के आता है, जो काफ़ी बड़ी वैल्यू है। इस ग्रोथ को देख के लगता है कि ग्रोथ ऐसी काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ते रहेगी और बहुत जल्द हमारे देश में बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़र बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की कुछ टॉप टेक न्यूज़। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट करिए। मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय, जय हिंद।